हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो हम यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीफ सिग्नल ऑफिसर हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड कोलकाता द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ उसी के बारे में आज बात करेंगे। वो कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन दिया है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, ठीक है, कैसे हमको अप्लाई करना, कितना फी, कैसे फॉर्म भेजना है ऑफलाइन ऑनलाइन, सब कुछ इस वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, आप वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और 24/7 जॉब इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और हर रोज जुड़िए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग तो देख ही सकते हैं, मैंने सब कुछ पहले आपको बता दिया था। उसके बाद अगर जारी हुआ है आपका जो सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर गेट 2 जो ग्रुप सी के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, आपका परमानेंट जॉब है। मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है, आपका एड्रेस आप देख ही सकते हो गए। आपका हेडक्वार्टर जो मैंने बोला था, आपका एडवर्टाइजेशन कमांड सिग्नल पिन कोड भी दे दिया, एनएल सब ले दिया। आपको एक बार सैलरी दिया जाएगा, पे लेवल 3 द्वारा आपको सैलरी आपको दिया जाएगा। ठीक है, एज पर 7 CPC मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, जो SC के अंतर्गत आता है आपका 4 वैकेंसी, OBC के अंतर्गत आपका 3 वैकेंसी आता है, और जो UR का अंदर 6 वैकेंसी आता है। ठीक है, और UR अंदर अंदर ही आपका जो और EWF, PHC, एक्सेट्रा का एक एक है सबका यहाँ पर कोटा इजाफ है। आप लोग देख भी सकते हैं, टोटल मिला के आपका 16 पोस्ट आपका जारी हो गया है। ठीक है, उसके बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं उनको क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे दिया। आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना होगा और आपको प्रोफेशनल इन हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड द्वारा आपको नॉलेज होना होगा, और डिजरेबल दे दिया। आपको फ्लुएंट इंग्लिश और हिंदी आपको बोलना होगा। ये आपका डिजरेबल है, किसी को फुल इंग्लिश नहीं आता तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टर्म ऑफ एज एलिमेंट देख सकते हैं आपका आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ द्वारा सब कुछ दे दिया। उसके बाद आपको जो पेंशन दिया जाएगा, आपको जो नेशनल पेंशन सिस्टम आपको ये दिया जाएगा जो 2004 के बाद आपका जारी हो गया था। ठीक है, सब कुछ आपको बोल दिया है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। प्रोफेशनल पीरियड आपका 2 साल पे आपका प्रोफेशनल पीरियड आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं आपको कितना ज्यादा नोटिफिकेशन आपको ये दे दिया है। और एक खास बात, किसी भी डाउट होता होगा तो मैं रिटायर एज क्या है, आपको रिटायर 60 है, आपको रिटायर एज है। ठीक है, उसके बाद आपका एज लिमिट जारी होगा 18 से 25 साल आपका एज लिमिट होना होगा। ठीक है, ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए उनके लिए, और डेट काउंट कर जाएगा 1 अप्रैल 2022। ठीक है, यहाँ पर जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल तक यहाँ पर एज लिमिट छूट मिलेगा। उसके बाद जो SC ST उनको 5 साल तक यहाँ पर एज लिमिट छूट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो PHC कैंडिडेट उनको 10 साल का, PSC जो यहाँ पर SC ST उनको 15 साल का, और OBC को यहाँ पर 3 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं जो एक सर्विसमैन है आपको सर्विस सिलेंडर आर्मी नेवी एयरफोर्स उनका भी दे दिया है, प्लस 3 इयर्स का डेट ऑफ द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट द्वारा जो डेट उनका भी। ठीक है, उसके फोटोग्राफ आपको 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा, नॉट मोर देन 3 मंथ, 3 महीने ज़्यादा पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, और जो जो दे दिया आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, ये भी कुछ पर आपको बोला है। ठीक है, सब कुछ आपको सेल्फ एटेस्ट करके देना होगा, 2 एडिशनल फोटोग्राफ आपको देना होगा। ठीक है, ऑन फ्रंट साइड पे आपको सेपरेटली लगाना होगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूँ आपका फॉर्म ऑफलाइन है, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया था आपको यहाँ पर 30 आपका जो 30 डेज का अंदर अंदर आपको ये आपको देना होगा, उसके बाद आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम आप एग्जामिनेशन भी आपको दे दिया, आपको 100 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट के द्वारा आपको, और आप देख सकते हैं आपको पेस्ट पेपर होगा, आपका जनरल इंटेलिजेंस ऑब्जेक्टिव मल्टीपल सबको होगा। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 जनरल, पेपर 3 जनरल इंग्लिश, पेपर 4 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। उसके बाद देख ही सकते हो आपका जो दे रहे उसको आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट भी कॉन्डक्ट कर जाएगा, आप देख ही सकते हो गए। उसके जो जो नोटिफिकेशन देगा आप देख सकते हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एप्लीकेट होगा, पहले फुलफिल विद सिलेक्शन इज नॉट ऑटोमेटिकली इंटर पर्सन ड्यू कॉल द टेस्ट। ठीक है, उसके बाद भी आपको दे दिया है ऑनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट परफॉर्म द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके मार्क्स के द्वारा आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद आपका एडमिट कर आएगा।
उसके बाद देख सकते हैं आपका जो एनवलप, आपका जो एनवलप आपको फॉर्म फिलअप करना होगा दे दिया है। आप सिलेक्शन बोर्ड आपका पहले मैं बताऊंगा थोड़ा, आपका जो पोस्टर होगा आपको ठीक से पोस्टर भेजना होगा। आपको लेट हो गया, पोस्टर डिले हो गया, डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उन्होंने बोल दिया आप इस लाइन पे देख ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बड़े वाले जो इन्वॉल्वमेंट जो होगा, ठीक, बड़े वाले इन्वॉल्वमेंट में आपको लिखना पड़ेगा जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CSBO ग्रेड 2, ठीक है। आपका जो बड़ा वाला जो काम होगा उसमें लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर में, जो यहाँ पर लिखा वही आपको लिखना पड़ेगा। और इधर कैटेगरी आपको लिखना होगा आप किस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और इसको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। और लेफ्ट कॉर्नर और ठीक से लिखना हो कैन यू अप्लाई द पोस्ट मास्ट इंक्लूड फॉलोइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, पहले तो आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना होगा, मार्कशीट दे दो, पार्ट सर्टिफिकेट, सबको कुछ आपको सेल्फ एटेस्टेड करना होगा, ध्यान दीजिए सबको आपको। उसके बाद एडमिन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, कास्ट सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको ठीक से ध्यान करके देना होगा, ठीक है। और टू सेल्फ अटेस्टेड एनवलप देना होगा, उसके बाद आपको 10 रुपये का पोस्टल स्टैम्प लगाना होगा इस एनवलप में, उसके बाद आपको भेजना होगा, ठीक है। और एलिजिबल कॉपी सेल्फ अटेस्टेड वैलिड आईडी प्रूफ भी आपको देना होगा, ठीक है। आधार कार्ड, ट्रैवल नंबर, वोटर वोटर कार्ड, ठीक है, सब कुछ आपको देना होगा। ध्यान से फॉर्म फिलअप ठीक से फॉर्म पूरा, कोई भी गलती कभी इनवैलिड होगा तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन में आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर देना होगा एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट डेट भी आपको ठीक से ध्यान रखकर आपको सबमिशन करना होगा, ठीक है। और टू एडिशनल फोटोग्राफ सेल्फ डिक्लेरेशन मैंने पहले आपको बता दिया था, और 10 रुपये का स्टैम्प भी देना होगा, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला आपको हिंदी इंग्लिश में फॉर्म फॉर्मूला करना, कुछ भी डाउट होगा तो आप इस नंबर पर जाके इंक्वायरी पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर्म फिलअप के द्वारा। और आपको एग्जाम देने जाएंगे, आपका नो टीडी का कुछ पैसा आपको नहीं देगा डिपार्टमेंट के द्वारा, आपको कुछ पैसा जाके आपको एग्जाम को देना होगा, ठीक है। आपको प्रिपेयर कम टू कोलकाता 24-5 दिन अंडर ओन अरेंजमेंट, आपको कोलकाता यानी आपको कोलकाता आके कुछ ट्रेस एग्जाम आपको होगा, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये फॉर्म को बड़ा करके आपको प्रिंट करके करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर, एड्रेस नंबर को ऊपर दिया दिया है, रेफरेंस नंबर, डेट, यहाँ पर आपको फोटो देना होगा, सेल्फ अटेस्ट करके, मदर से मदर्स नेम, या डेट महीना कितना होगा आपका, कैटेगोरी सब कुछ देख ही सकते हो, पोस्टल एड्रेस और ब्लॉक लेटर प्रिंट भी सब कुछ देना होगा। इसके आपका नाम, आप सब कुछ देना, उसके आपका क्वालिफिकेशन क्या, कितने परसेंट, कितना डिविजन आया, ठीक है। और यहाँ पर सिग्नेचर सबको देना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको दे दिया है, कितने डॉक्यूमेंट दिया वो भी आपको देना होगा, ठीक है। PDF और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो तो देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम रिप्लाई कर देंगे। और वीडियो दूसरे साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर देना, ताकि आपको जॉब रिटा हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हमारे चैनल में हर रोज वीडियो आते हैं, आप रोज देगा, ठीक है। चलिए मैं अब चलता हूँ, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, सब लोग ध्यान ध्यान दें, कॉमेंट करना, ठीक है, बाय।